सुबह मेरे को दिन टीवी के सामने बैठे थे तो उस समय लोग बाबू का रक्तपात हो रहा था, उस समय हमने लिया था। हमने उसी समय आज हमारे परिवार के लोग बोले कि आप भोजन करें, हमने कहा आज हम भोजन नहीं करेंगे, हम संकल्प ले रहे हैं। और हमने संकल्प लिया उस दिन कि हम आज के बाद अब भोजन जब करेंगे तो भगवान विराजमान हो जाएंगे, मंदिर निर्माण होगा और संतों का भंडारा होगा, उसमें हम बैठेंगे, उस समय भोजन करेंगे। अयोध्या में अनुग्रहण करेंगे जी। हाँ, वजह ये थी कि मंदिर को जो भगवान का राम मंदिर है वो भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई मिलकर करें, अच्छे वातावरण में करें, भाईचारे से करें, लड़ाई झगड़ा रक्तपात क्यों हो रहा, धर्म का कार्य धर्म के कार्य में रक्तपात हो रहा है। तो ये ऐसा मन को आया कि रक्तपात नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से दोनों भाई मिलकर करें, प्रेम से करें और भाईचारे से करें, मंदिर इस तरह मंदिर निर्माण करें, तब कुछ अच्छा लगेगा। धर्म का कार्य में रक्तपात हो रहा है क्या मतलब हो रहा है, कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है, युद्ध तो हो नहीं रहा था वहाँ, मतलब ये मन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ऐसा लगा कि क्या करें, कैसे जाके रक्तपात रोक दें, पर ऐसा संभव नहीं था, तो संकल्प लेना संभव था, तो संकल्प लिया। उस दिन फिर बच्चों ने कहा भोजन करने को, हमने कहा नहीं बेटा आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज से हम संकल्प ले रहे हैं, आज से हम नहीं खाएंगे खाना, मतलब उसके बाद से जी संकल्प तोड़ना है हमको, अयोध्या में तोड़ेंगे, अन्न हमारे अंदर मुख्य अंदर जब जाएगा अयोध्या में कोई पहुंचा दें, अयोध्या में हम जब तो वहाँ भगवान के दर्शन कर लें एक बार भगवान राम के, वहाँ हम ले पाएंगे, हम मतलब इस तरह अन्न को अंदर नहीं ले जा पाएंगे।